वेलकम टू माई ब्यूटिफुल पीपल्स, आपका स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना रूम चेंज किया है और जो मेरा पुराना रूम था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे अचानक अपना रूम चेंज करना पड़ा। और जैसे आपको पता ही है कि मेरा एक छोटा बेबी है तो मुझे वीडियो शूट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम हो गया है, 10 से 15 दिन शायद हो गए हैं मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया, जिस कारण मेरा वॉच टाइम ही थोड़ा क्या काफ़ी डाउन आ गया है। क्योंकि 10 से 15 दिन अगर आप कोई वीडियो शूट नहीं करते हैं तो आपके चैनल पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वही मेरे साथ हो गया है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अब रूम चेंज करने में इतना टाइम लग गया और आपको पता ही है जब हम कोई नया घर लेते हैं या रूम शिफ्ट करते हैं कुछ भी, तो सामान एडजस्ट करने में और अच्छे से रखने में टाइम तो लग ही जाता है। और आपको तो पता ही है कि मैं कितना क्रिएटिव सोचती हूँ कि सामान को ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाए, ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाए, तो इस कारण मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ गई हूँ अपनी। वैसे आप ये बताओ कमेंट करके कि मेरा बैकग्राउंड आपको कैसा लगा। मुझे यहाँ सबसे अच्छा अपना बैकग्राउंड ही लगा, इसलिए मैंने ये सोचा ये रूम परफेक्ट है और मैंने फटाफट ये रूम चेंज कर लिया। तो चलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ क्यों ना रूम ले लिया है तो अच्छे से डेकोरेट करें। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैंने फ्रंट का तो हम बाद में देखेंगे, बट पहले मैंने अपनी जो वॉल है वॉल पे एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया है जिसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, बट अब उसे हम कलर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। तो फाइनली हम एक ब्रश की मदद से, सिर्फ एक ही ब्रश की मदद से आज ड्रॉ करने वाले हैं जो मैंने वॉल पे छोटा सा स्टिकर बनाया है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो स्टिकर कैसा है। वैसे मैंने पेंसिल से उसे ड्रॉ कर लिया है, बट अब हम उसमें कलर करेंगे क्योंकि अभी मेरा बच्चा अभी सो रहा है तो मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे जल्दी से जल्दी 1 या 2 घंटे में वो उठ जाएगी, तो इसलिए फटाफट से मुझे ये ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स लाने के लिए, ताकि मैं मेरे जो वॉच टाइम है वो फिर से दोबारा से ठीक हो जाए। तो ये मेरा न्यू रूम है, आप कमेंट करके बताइएगा न्यू रूम कैसा लगा। ये किचन है और अभी टीवी हमने लगाया नहीं है फिलहाल, ऐसी हमने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, अभी थोड़े दिन में हम इसे लगाएंगे। और ये मेरे कुछ क्राफ्ट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, मैं सारे क्राफ्ट्स नहीं लेके आई, कुछ मैंने अपने मायके दे दिए और कुछ पुराने रूम पे ही छोड़ दिए, सारे मैं लेके नहीं आई हूँ। तो फाइनली हम ड्रॉ करने वाले हैं, मैं सिर्फ एक ब्रश की सहायता से ये ड्रॉ करूँगी और आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अपने ब्लॉग्स दोबारा से जल्दी और वीडियोस लाती रहूँ और अपना वॉच टाइम, जो मेरा वॉच टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसे मैं दोबारा से अर्न कर सकूँ, दोबारा से अपना वॉच टाइम बढ़ा सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ इसी तरह वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये जो बोर्ड है अभी हमने चेंज नहीं किया है, इसको हम कुछ दिनों में चेंज करेंगे क्योंकि इसका एक बटन ख़राब हो रहा है। तो फाइनली ये हम ड्रॉ करने, इसमें हम कलर करने वाले हैं, मैंने ये ड्रॉ कर लिया है तो अब हम इसमें कलर शुरू करते हैं।
कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे कमेंट में बहुत से रेड ग्रीन हार्ट भर दीजिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और मुझे ऐसा लगे कि हाँ शायद आपको मेरी वीडियो सच में ही पसंद आ रही है। आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।